दोस्तों नमस्कार, अपने चैनल पे मैं विजय प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्त, सफलता और हमारे बीच की दूरी बस कुछ कदमों की है। हमें सफलता तभी मिल सकती है जब हम अपनी निगेटिव सोच को त्याग कर स्वयं को इसके योग्य समझेंगे। एक सोच बदलने मात्र से ही हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने लगता है। जीतने वाले ऐसे ही नहीं जीतते हैं, उनके कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत उनकी बन जाती है। दोस्त, एक इम्पॉर्टेंट शब्द है कल। जो गुजर गया है वो कल, और जो आने वाला है वो कल। अब यह इंसान पर डिपेंड करता है कि वह बीते हुए कल का अफसोस करता है या आने वाले कल की तैयारी। अगर लक्ष्य बड़ा है तो दिल भी अपना बड़ा रखना पड़ता है, वरना संकुचित मानसिकता वाले लोग तो बीच रास्ते में ही उलझ जाया करते हैं। दोस्त, विनर समस्याओं को देखकर जीवन में कभी हार नहीं मानते। उन्हें समस्याओं के अंदर भी जिंदगी की एक नई शुरुआत नजर आती है। अगर कष्ट भरा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी, भरोसा रखिए। दोस्त, ये सब बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मॉर्निंग से ही बहुत सारे मित्रों के कॉल एंड मैसेज आ रहे हैं, और हर एक कॉल एंड मैसेज में उनका दर्द साफ साफ दिख रहा है। किसी का कहना है कि सर, यहाँ 20 नवंबर तक कुछ भी नहीं होने वाला। पहले ही जैसा यह भी अनाउंसमेंट सिर्फ अनाउंसमेंट बनकर ही रह जाएगा। कोई कह रहा है कि यहाँ क्या खाक जिंदगी बदलेगी, 4 सालों में तो एक मामूली प्रोडक्ट भी लॉन्च नहीं हो सका। कोई कह रहा है कि हमारे इंडियन लीडर्स एंड यूट्यूबर्स सिर्फ मोटिवेट करते आ रहे हैं हमें, आप करोड़पति बनने वाले हैं, आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है, आपकी पूरी लाइफ चेंज होने वाली है, आप इतिहास रचने वाले हैं, आपको पूरी दुनिया जानेगी, आपको कौन कहे, आपके आने वाली 7 पीढ़ियों तक भी यह इनकम जाने वाला है। क्या वे हमारे इंडियन लीडर्स या यूट्यूबर्स सिर्फ CEO की बातें सुनकर उसे दोहरा देते हैं, या उसे और बढ़ा चढ़ाकर कह देते हैं, या ये सब उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि ऐसा हो रहा है? अगर कुछ नहीं हुआ जैसा कि कहा जा रहा है, तो इसके लिए कौन कौन से लीडर्स या यूट्यूबर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे? कोई तो सामने आकर कहे कि मैं जिम्मेवारी ले रहा हूं ऐसा होने का, 100% अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं रिफंड करूंगा सारे इंडियन फाउंडर्स का पैसा। और अगर वो ऐसा नहीं कहते हैं, इसका मतलब खुद बिलीव नहीं है उन्हें, वे बस बातों को सुन सुन के उसी को प्रमोट कर रहे हैं। किसी का कहना है कि सर, हम ऑन पैसिव के लॉन्चिंग के लिए 2030 तक भी वेट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जिस कामयाबी या सफलता के बारे में कहा जा रहा है उसके रिगार्डिंग कोई एक इंडियन लीडर गारंटी ले ले कि ऐसा बिल्कुल होगा। दोस्त, तमाम तरह के लोग, तमाम तरह की बातें, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि निगेटिव बातों से दूर रखिए अपने आप को, तभी कामयाब आप हो सकते हैं। CEO मिस्टर एस ने कहा ही है कि हमारे 3 से 4 प्रोडक्ट इधर ही आ रहे हैं, 20 नवंबर तक बहुत कुछ होगा। दोस्त, जिनको 20 नवंबर तक का इंतजार करना मुश्किल हो रहा है, पता नहीं वैसे लोग 2030 तक कैसे वेट कर लेने की बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में ही बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे आपको, अभी 20 नवंबर तो दूर की बात है। बिलीव रखिए, जो भी होगा बढ़िया होगा, और जब हमारे पास अब भरोसा करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो फिर निगेटिव बातें सोच सोच के परेशान होने का क्या मतलब। हम चाह कर भी कुछ चेंज नहीं कर सकते, हमारे हाथ में है ही नहीं इसे लॉन्च करना। जब ये सारा कुछ CEO मिस्टर एस को ही करना है, तो फिर उनके ऊपर भरोसा रखिए, वे जो कह रहे हैं उसे करेंगे भी। जब हम अपनी सफलता से काफ़ी दूर थे तो काफ़ी मेहनत किए टीम क्रिएट करने के लिए, और आज जब हमसे सफलता सिर्फ कुछ कदमों की दूरी पर है, तो इसके बारे में निगेटिव सोचने का कोई मतलब नहीं रह जाता। अरे भाई, आप अक्टूबर नवंबर तक तो वेट करें, अगर इसमें कुछ नहीं होता है तब की ना कुछ बात है, थोड़ा पेशेंस रखिए, सब कुछ इसी में होगा। रही बात गारंटी लेने की, तो दोस्त, कोई किसी की गारंटी नहीं लेता। आपको भरोसा हो तो करिए, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, बट मेरे समझ से कोई गारंटी तो नहीं देगा एक कैश को छोड़ के। और जब CEO मिस्टर एस से एक फाउंडर्स की सफलता की गारंटी दे ही रहे हैं, तो फिर इंडियन लीडर्स या यूट्यूबर से गारंटी मांगने का क्या मतलब है। बस कुछ दिनों की और बात है दोस्त, सब कुछ बदल जाएगा। मुझे पता है जीवन की समस्याओं की वजह से मन कभी कभी विचलित होने लगता है, अच्छे अच्छे साधक भी हिलने लगते हैं, बट अब आपकी सारी समस्याएं जड़ से खत्म होने वाले हैं। बस आने वाले खुशियों के पल को फील करिए, एक्साइटेड रहिए, एनर्जेटिक रहिए, पॉजिटिव रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जो भी होगा बढ़िया होगा। आपके उज्ज्वल भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।